हेलो दोस्तों, मैं हूँ काजल और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक ऑफिशियल साइट पर हूँ। तो आज की इस वीडियो में पंजाब और हरियाणा दोनों के ही गाइस एग्ज़ाम की बात करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म को फिलअप करे हुए काफ़ी महीने बीत चुके हैं। 3 महीने से आप एग्ज़ाम डेट को भी लेकर परेशान हैं। तो आज की इस वीडियो में थोड़े पेशेंस के साथ बने रहिएगा, तभी गाइस आपके जो है डाउट क्लियर होंगे। उससे पहले अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं और हमारे चैनल पर भरोसा करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लाएँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए बात कर लेते हैं आपके। सबसे पहले बात करूँगी गाइस मैं हरियाणा वालों की। देखिए, हरियाणा वालों जिनके जो है 380 पोस्ट थी, ठीक है, और जिनका जो है फॉर्म जो फिलअप किए गए थे वो 20 अक्टूबर से किए गए थे। आपने देखा होगा 1 अप्रैल, मतलब एक 1 वीक पहले जो है इसमें जो है आपका हरियाणा वालों के एक एडमिट कार्ड का स्टेटस जो है लिंक जो है यहाँ पे एक्टिव किया गया था इस जगह। तो बहुत से लोगों का तो हो गया था और बहुत ज़्यादा कमेंट आई थी मेरे पास उस टाइम कि हमारा तो मैम हो नहीं पा रहा, क्या हम एग्ज़ाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन अब जो है हरियाणा वाले अगर इस पे प्लीज़ क्लिक हियर जहाँ जहाँ लिख रहा है, अगर वो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उनका जो है यहाँ पर दिखाता है एरर फॉरबिडन। आप देख सकते हैं एक्सेस इज फॉरबिडन। तो वो पूछ रहे हैं कि स्टेटस तो एक्टिव हो गया था, अब हमारा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, पंजाब वालों की भी यही प्रॉब्लम आ रही है। मैं दोनों की जो है बताऊंगी, एक साथ ही बताऊंगी गाइस। अब पंजाब वालों की क्या प्रॉब्लम आ रही है, पंजाब वाले ये पूछ रहे हैं कि हरियाणा वालों का तो स्टेटस एक्टिव आ गया है, हमारा भी आया नहीं, क्योंकि पंजाब वालों की भी 860 पोस्ट निकली थी और इनका भी जो है 11 अक्टूबर को फॉर्म फिलअप किया गया था। और अगर अब मैं पंजाब वाली आपको साइट को क्लिक करके दिखाती हूँ तो यहाँ पे भी देखिए क्या आ रहा है, द सर्वर एनकाउंटर एरर कुड नॉट कंपेयर योर प्लीज़ ट्राई अगेन इन 30 सेकेंड। आप जब भी इस पर क्लिक करोगे आपको पंजाब की साइट पर यही देखने को मिलेगा, ठीक है, और हरियाणा पर क्लिक करोगे तो आपको एक्सेस इज फॉरबिडन मिलेगा। अब ये माजरा क्या, आप इसको समझिए गाइस। देखिए, हरियाणा वालों की तो मैं बता दूं, अगर हरियाणा वाले जो है वेट कर रहे हैं तो उनका वेट करना जायज़ बनता है, क्योंकि उनका स्टेटस जो है एक्टिव हो गया है। तो वो जो है कम से कम 15 मई तक का वेट करें, फिर जो है इस एग्ज़ाम को अपने को भूल जाएं, इसमें ही ना पड़े रहें कि हमें जो भैया FCI हरियाणा का ही एग्ज़ाम दे के किला जीतना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों अपना करियर भाई इसमें बर्बाद कर रहे हो, जब आपका जो है कितना टाइम हो चुका है। ऐसा हो सकता है कि ये ना आपका एग्ज़ाम कराएं तो आप इसी के पीछे क्यों पड़े हुए हो। ये हरियाणा वालों को मैं सजेस्ट कर रही हूँ, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करनी शुरू कर दो। रेलवे पे भी काफ़ी अच्छी होती है RRB की, उसमें प्रमोशन भी होता है। वीडियो नहीं पता है तो आपको मिल जाएगी, देख लेना, रेलवे गवर्नमेंट जॉब पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, रेलवे एग्ज़ाम क्या होता है, नवनीत गुरु काजल करके सर्च करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। मैं तो अभी भी आपसे यही कहूँगी कि थोड़ा बस पेशेंस रखो, मई तक का, 15 मई तक देख लो, अगर एग्ज़ाम डेट यहाँ आती है तो ठीक है, वरना दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ। जब से तैयारी इसी की तो कर रहे हो, अब किसी और चीज़ का फॉर्म भर दो, उस इस चीज़ के चक्कर में उनके फॉर्म भी निकले जा रहे हैं, उनके फॉर्म गाइस आप कब भरोगे। अब बात करें हम आपके पंजाब वालों की, तो देखिए पंजाब वालों की भी यही किस्सा है गाइस। अभी तो हरियाणा वालों का ही एडमिट कार्ड का जो स्टेटस था वही एक्टिव नहीं हुआ, तो आपका क्या आएगा। तो आप भी इसी चक्कर में ना पड़े रहें, आप भी जो है न्यू जो है फॉर्म फिलअप कर दें, न्यू वैकेंसी को फिलअप कर दें। और कुछ डाउट है तो मैं बताती हूँ, आप ईमेल आईडी के लिए पूछते हो, देखिए FCI Punjab Watchword.in इस वाली ईमेल आईडी पर जो है आप कॉन्टैक्ट करें। पंजाब वाले और हरियाणा वाले इस ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट करें, ये जो लिख रही है FCI Hariyana Watchword.in, ठीक है ना, क्योंकि DRDO MTS का एग्ज़ाम 2 साल पहले डाला था, उसका एडमिट कार्ड भी आया था, लेकिन एंड टाइम पर गाइस उनका जो है भर्ती जो है कैंसिल कर दी गई थी। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैं कहती हूँ गाइस थोड़ा सा दूसरे एग्ज़ाम के जो फॉर्म निकल रहे हैं उन फॉर्म को फिलअप करें, इसके ही चक्कर में मत बैठे रहें। इसकी तो एग्ज़ाम की तैयारी आपकी कब से कर रहे हो, अब तक तो हो भी गई होगी पूरी, तो ठीक है ना। तो बस ये छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचाना था कि एक ही चीज़ पे अपने करियर को बर्बाद ना करके अच्छा है कि दूसरे भी राह में देखें कि दूसरा हमारे जो है क्या करियर बना रहा है, ठीक है।
तो बस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।